सिद्धू मूसेवाले का जिहड़ा गीत आया वार उहदे विच एक लाइन नूं लै के कल दी ही मुस्लिम समाज दे विच बड़ी तेजी दे नाल इह गल वायरल हो रही थी कि शायद वो जिहड़ा लफ्ज़ है वो हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े कि मुसलमानां दे आखिरी नबी ने शायद उहनां दे संबंध दे विच जिहड़ा वह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। सरदार बलकौर सिंह जी जिहड़े कि सिद्धू मूसेवाले जी दे पिता जी ने उहनां दे नाल अज्ज गलबात कीती ते उहनां ने भी इह गल दसी कि इस गाने दे विच जिहड़ा जिक्र है वो हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े कि पूरी दुनिया च मुसलमानां दे नबी ने उहनां दा नहीं है बल्कि उस वेले जिहड़ी लड़ाई सरदार हरी सिंह नलवा जिहड़े जरनैल ने बहुत मशहूर उन्हां दी जिहड़ी लड़ाई अफगान शासक अमीर दोस्त मुहम्मद खान दे नाल हुई उन्हां दा जिक्र है। जद एक क्लैरिफिकेशन आ गई तो मैं समझदा हाँ कि जिन्हां लोगों नूं शंका सी या कोई शक सीगा या जिन्हां नूं कोई दिली तौर पर ठेस पहुँची ये मसला जिहड़ा है उहनूं खत्म कर दिया। पंजाबी इंडस्ट्री दे मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला दे नवी गाणी नूं लै के विवाद शुरू हो गया। दरअसल गीत वॉर दे विच मुहम्मद शब्द दी वरतों कीती गई है जिस नूं लै के मुस्लिम भाईचारे दे विच इतराज जताया जा रहा है अते उन्हां नूं लग रहा है कि यह मुहम्मद शब्द दी वरतों हजरत मुहम्मद साहिब लई वरती गई है पर इस नूं लै के हुण सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह ने इस दी लुधियाणा दे शाही इमाम नूं सफाई दित्ती है जिस तों बाद हुण यह विवाद खत्म हो चुका है अते इस दी जानकारी खुद लुधियाणा जामा मस्जिद दे शाही इमाम मुहम्मद उस्मान दे वल्लों मीडिया दे नाल सांझी कीती गई है। हाँ जी सिद्धू मूसेवाले का जिहड़ा वाल कीता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करन वाला है। सिद्धू मूसेवाले का जिहड़ा गीत आया वार उहदे विच एक लाइन नूं लै के कल दी ही मुस्लिम समाज दे विच बड़ी तेजी दे नाल इह गल वायरल हो रही थी कि शायद वो जिहड़ा लफ्ज़ है वो हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े कि मुसलमानां दे आखिरी नबी ने शायद उहनां दे संबंध दे विच जिहड़ा वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मैनूं अलग अलग लोगों ने बहुत अप्रोच की ते असीं जद इतिहासिक तत्थ चैक किए तो वह अमीर दोस्त मुहम्मद खान दे नाल जिहड़ी उस वेले अफगान शासक नाल लड़ाई हुई उहदा जिक्र इहदे च कीता गया। फिर भी असीं इह जरूरी समझा कि लोगों के सामने क्लैरिफिकेशन दे लई सरदार बलकौर सिंह जी जिहड़े कि सिद्धू मूसेवाला जी दे पिता जी ने उहनां दे नाल अज्ज गलबात कीती ते उहनां ने भी इह गल दसी कि इस गाने दे विच जिहड़ा जिक्र है वह हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े कि पूरी दुनिया च मुसलमानां दे नबी ने उहनां दा नहीं है बल्कि उस वेले जिहड़ी लड़ाई सरदार हरी सिंह नलवा जिहड़े जरनैल ने बहुत मशहूर उहनां दी जिहड़ी लड़ाई अफगान शासक अमीर दोस्त मुहम्मद खान दे नाल हुई उहनां दा जिक्र है। जद एक क्लैरिफिकेशन आ गई तो मैं समझदा हाँ कि जिन्हां लोगों नूं इह शंका सी या कोई शक सीगा या जिन्हां नूं कोई दिली तौर पर ठेस पहुँची यह मसला जिहड़ा है उहनूं खत्म कर देना चाहिए। हाँ जिहड़ी मेरी उहनां दे नाल गलबात हुई है तो वह मैं तुहानूं दस दिंदा ताकि कल दे बहुत सारे लोग जिहड़े ने खासकर कुछ लोग ट्रोल करना चाहते सी असीं चाहते सी कि इहनूं विवाद की शक्ल जिहड़ी है वह ना दित्ती जाए। मुस्लिम भाईचारे नूं की संदेश देना मुस्लिम भाईचारा ही नहीं सारे भाईचारे नूं सारिआं नूं आ तुसीं मैं कहना चाहना उन्हां दी इस क्लैरिफिकेशन तो बाद कि अगर किसी नूं इहदे मुताबिक कोई गलत फहमी हुई तो वह दूर कर देनी चाहिए। इहदे नाल नाल मैं एक बेनती करना चाहना सरदार बलकौर सिंह जी नूं भी सिद्धू मूसेवाले की टीम नूं भी उहदे अलावा होर भी जिन्ने लोग सोशल मीडिया ते एक्टिव ने या कोई चीज़ बनाते हैं कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या कोई गाना लिखते हैं देखो पंजाब दा विरसा बड़ा अमीर विरसा है और नामा च सिमिलरिटीज़ जिहड़ियां बहुत हुंदियां हज़रत मुहम्मद साहब का जिहड़ा नाम है कल्ला मुहम्मद जिथे आएगा उन्होंने मुसलमान यही समझणगे कि हज़रत मुहम्मद साहब का जिक्र किया जा रहा है। अच्छा जी अगर असी पहली पातशाही धन गुरु नानक देव जी तो लैके दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक देखते हैं
ठीक है उस वेले दे शासक मुसलमान सी उन्हां दे नाल उन्हां दे जुल्म दे खिलाफ़ जिहड़ी जंग हुई, लेकिन पहली पातशाही तो लैके दसवीं पातशाही तक मुसलमाना दा ते सिख पंथ दा आपस दे के विच इक बड़ा गूढ़ा रिश्ता है। भाई मरदाना तो लै के फिर नबी खान गनी खान देखो उन्होंने नाँ के पिछे भी खान लग रहा है, और फिर पीर बुद्धू शाह रहमतुल्ला ले, फिर साई मी अमीर साहब रहमतुल्ला ले, ते इदा हज़ारा ही ऐसे लोग ने जेडे जिन्होंने अपनी सांझ जड़ी है वो गुरु साहिबान दे नाल पाई है। ते मैं बेनती ये करना चाहुंदा कि जद भी कोई ऐसा इतिहासिक तत्थ पेश किया जाए तो वो दे विच इन्ना जरूर कर लिता जाए कि वो दी डिस्क्रिप्शन दे विच पहला ही यह पा दिता जाए कि यह फलाने तारीख या फलां सन का इतिहास जिहड़ा है वो तुहाडे सामने पेश किया जा रहा है, और आ उस शासक का नाम है, आ साडे जरनैल का नाम है, ताकि किसी नूं भी कोई शंका ना हो, किसी दे दिल नूं तकलीफ ना पहुँचे, और खासकर नैगटिविटी फैलाने वाले भी किसी नूं मौका जिहड़ा वो नहीं मिलना चाहिए। इत्थे दस दईए कि सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह ने लुधियाणा दे शाही इमाम नूं सफाई दिंदे होए यह गल आखी है कि मुहम्मद शब्द दी वरतों हजरत साहिब लई नहीं बल्कि खान मुहम्मद दे नाल कीती गई है, जिस दी सिख जरनैल हरी सिंह नलुआ दे नाल जंग हुई सी। सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने फिर भी माफी मंगी है ते कहा है कि जेकर इस दे बावजूद किसी दीआं भावनावां नूं ठेस लगी है उस लई ओह माफी मंगदी है। D5 चैनल पंजाबी लई लुधियाणा तों कुलबीर राही दी रिपोर्ट। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।